वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये कुछ ऑडियो कैसेट हैं जो सेल हो चुकी हैं। ये ऑडियो कैसेट जाएंगी बत्ता हरियाणा से करनाल हरियाणा, और ये वीसीडी की कैसेटें हैं, ये जाएंगी नई दिल्ली। चलिए आपको एक एक करके ऑडियो कैसेट और वीसीडी कैसेट दिखाते हैं जो सेल हो चुकी हैं। पहली ऑडियो कैसेट है विंग्स कंपनी में, कैसेट का नाम है सुहाने पल। ये है टी सीरीज कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है वर्दी और दूसरी फिल्म है ममता की छांव में। दोनों ही अपने समय की बहुत ही कामयाब फिल्में रही हैं। वर्दी फिल्म में सनी देओल जी के साथ थे धर्मेंद्र, जिनकी थोड़ी ही भूमिका थी इस फिल्म में, और ममता की छांव में थे राजेश खन्ना। आगे है एचएमवी कंपनी में, ये दोनों ही अमिताभ बच्चन जी की फिल्में हैं। इसमें पहली फिल्म है शराबी और दूसरी फिल्म है नमक हलाल। दोनों ही अमिताभ बच्चन जी की बहुत ही कामयाब फिल्में रही हैं और दोनों ही फिल्मों में गाने बहुत ही ज़बरदस्त थे। आगे है टी सीरीज कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है हाय मेरी जान और दूसरी है मीरा का मोहन। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है फिल्मी गानों का टी सीरीज कंपनी में। आगे है एचएमवी कंपनी में, दोनों ही बहुत ही बढ़िया फिल्में हैं इसमें। दोनों ही फिल्मों में गाना भी बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। पहली फिल्म है इसमें नाग नागिन और दूसरी है नाचे नागिन गली गली। आगे है टी सीरीज कंपनी में, दोनों ही अमिताभ बच्चन जी की फिल्में हैं इसमें। पहले है देश प्रेमी और दूसरी है सत्ते पे सत्ता। दोनों ही फिल्मों के गाने बहुत ही सुपरहिट हुए थे। देश प्रेमी का एक गाना बहुत ही फेमस था, वो था आपस में प्यार करो देश प्रेमियों। आगे है एचएमवी कंपनी में, कमल हसन जी की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म एक दूजे के लिए, और साथ में है अमिताभ बच्चन जी की फिल्म सिलसिला। दोनों ही फिल्मों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है गानों का। एक दूजे फिल्म में एक गाना था तेरे मेरे बीच में है कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, और एक गाना था हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो एक पल भी बिछड़ के जिए। आगे है एचएमई कंपनी में लकड़ी की काठी, इसमें बच्चों के गीत हैं जो अपने समय में बहुत ही कामयाब थे, जो आज भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। ये कैसेट आई थी एचएमई कंपनी में, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है इसमें बच्चों के गानों का। आगे है टी सीरीज कंपनी में बेवफा सनम, इसमें भी बहुत ही बढ़िया गाने हैं। और आखिरी कैसेट है टी सीरीज कंपनी में सत्यम शिवम सुंदरम, और कम्बो में है बॉबी। दोनों ही फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम शशि कपूर जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही है, और बॉबी फिल्म ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म थी एज ए हीरो, जो बहुत ही कामयाब रही थी। और दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर थे राज कपूर। चलिए आपको दिखाते हैं वीसीडी की कुछ कैसेटें जो नई दिल्ली जाएंगी। ये पहली कैसेट है अल्ट्रा कंपनी में हो सकता है, ये एक हॉरर फिल्म थी, और ये है राज कपूर और शम्मी कपूर जी की फिल्म चार दिल चाल रहे, जिसमें लता मंगेशकर और मुकेश जी के बहुत ही हिट गाने हैं। ये आई थी ईगल कंपनी में। आगे है ईगल कंपनी में भारत भूषण जी की फिल्म बसंत बहार।
आगे है टी सीरीज कंपनी में सुमित सहगल जी की बहुत ही कामयाब फिल्म बाहर आने तक, जिसमें सुमित सहगल के साथ थे तारिक शाह। इस फिल्म में भी बहुत ही बढ़िया गाने थे और ये फिल्म दोस्ती पर आधारित फिल्म थी जो बहुत ही कामयाब रही थी। इस फिल्म का एक गाना था, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल ने, डूब किए रानी तो परांदे नु संभालने। आगे है गोल्ड कंपनी में राकेश रोशन और ऋषि कपूर जी की बहुत ही कामयाब फिल्म आपकी आपके दीवाने, जिसमें जो ये फिल्म थी दोस्ती पर आधारित फिल्म थी ये, और इसमें लव स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया दिखाई गई थी, बहुत ही पसंद की गई थी ये दर्शकों के द्वारा अपने समय में। और यह है गोल्ड कंपनी में राकेश रोशन जी की बहुत ही कामयाब फिल्म कामचोर। इस फिल्म के भी गाने बहुत ही बेहतरीन गाने थे। इस फिल्म का आपने गाना जरूर सुना होगा, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। आगे है राज कंपनी में, फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। ये भी एक ज़बरदस्त फिल्म है अपने समय की। आगे है टी सीरीज कंपनी में दो कलियां, विश्व जिसमें हीरो थे विश्वजीत जी और कॉमेडी के कॉमेडियन की भूमिका निभाई थी महमूद जी ने। इस फिल्म में भी बहुत ही बढ़िया गाने थे और फिल्म भी बहुत ही सुपरहिट थी। इस फिल्म का एक गाना था, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, फता बख्श दो अगर फता हो गई। आगे है कुछ डीवीडी कैसेटें। पहली डीवीडी की कैसेट है किशोर कुमार और अशोक कुमार जी की अफसाना। दूसरी फिल्म है इसमें किशोर कुमार जी की बंदी। और तीसरी कैसेट है दादी माँ। आगे है थ्री इन वन में मोजर बेयर में डीवीडी में, इसमें पहली फिल्म है राज कपूर जी की दोस्ताद, दूसरी है राजेंद्र कुमार जी की घराना और तीसरी फिल्म है राजेंद्र कुमार जी की हमराही। तीनों ही फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में हैं अपने समय की। और आगे है मोजर बेयर कंपनी में भारत भूषण जी की फिल्म फागुन। इस फिल्म के भी गाने बहुत ही मशहूर हुए थे, फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी ये। इस फिल्म का एक गाना था, एक परदेसी मेरा दिल ले गया जाते जाते आँखों की निंद्रा ले गया, कुछ ऐसा ही गाना था, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं है। आगे हैं मोजर बेयर कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है धर्मेंद्र जी की बहारों की मंजिल, दूसरी है बहारें फिर भी आएंगी और तीसरी है पूजा के फूल। तीनों ही धर्मेंद्र जी की अपने समय की बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में रही हैं। और आज की आखिरी कैसेट है ईगल कंपनी में सचिन जी की बहुत ही रोमांटिक फिल्म कॉलेज गर्ल। तो ये थी कुछ ऑडियो कैसेट और वीसीडी और डीवीडी की कैसेटें जो सेल हो चुकी हैं। आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।